दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि BTS के सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेकअप करते हैं और अपने म्यूज़िक वीडियोस के लिए या फिर अपनी रोज़ की लाइफ के लिए उनके मेकअप स्टाइलिस्ट या फिर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि BTS के मेकअप आर्टिस्ट कौन है? क्या आप भी BTS के मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं? तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। और दोस्तों, पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारी इंस्टाग्राम ID यानी @edu.facts को फॉलो ज़रूर कर लें और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों, आप में से ही किसी प्यारी आर्मी ने मुझसे ये बात रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि BTS के मेकअप आर्टिस्ट कौन है या फिर क्या आप भी BTS के मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली आप सभी के लिए बनाई है। दोस्तों, हम सभी ने BTS की वीडियोस में BTS के मेकअप आर्टिस्ट को देखा हुआ है। हालांकि दोस्तों, हमेशा उनके मेकअप आर्टिस्ट का फेस ब्लर रहता है, क्योंकि दोस्तों, BTS के जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो कौन है या फिर कहाँ के हैं, उनकी आइडेंटिटी या फिर उनकी पर्सनल डिटेल कहीं पर भी रिवील नहीं करी गई है। दोस्तों, हो सकता है ऐसा उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए करा हो, क्योंकि अगर इस बात को पब्लिक कर दिया जाएगा तो काफ़ी सारे लोग जो उन्हें जानते होंगे या फिर उनकी डेली लाइफ में इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकता है। हालांकि दोस्तों, BTS के जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप एक्सपर्टाइज्ड होते हैं और दोस्तों, उन्होंने काफ़ी मेकअप के कोर्सेज किए होते हैं जिसके बाद उनसे BTS का मेकअप करवाया जाता है। हालांकि दोस्तों, एक बहुत ही खास बात है जो शायद आप में से बहुत सारी आर्मीज को नहीं पता होगी, और दोस्तों, वो बात ये है कि BTS के आर्टिस्ट की जो भी डिटेल्स होती है वो डिस्क्लोज तो नहीं होती, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप BTS के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको उनका आर्टिस्ट बनने से पहले शादीशुदा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, BTS के जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि वो मैरिड होने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और दोस्तों, अगर लड़की है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैरिड हो। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि आपको कोरियन बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं और इसके बाद आप मेकअप बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं या फिर कोई मेकअप एक्सपर्ट है तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप BTS के मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों, BTS के मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ही कम बदला जाता है, बहुत ही लंबे समय से उनके सेम ही आर्टिस्ट चलते आ रहे हैं और बहुत ही कम ऐसा होता है कि बिग हिट एंटरटेनमेंट BTS के लिए किसी नए मेकअप आर्टिस्ट को रखे। दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी ने BTS की वीडियो में एक लड़की को हमेशा उनका मेकअप करते हुए देखा होगा, हालांकि उसका फेस नहीं बताया जाता। दोस्तों, एक ऐसी ही वीडियो में उसी मिस्टीरियस मेकअप आर्टिस्ट से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेंबर है जिसके मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है या फिर उन्हें किसका मेकअप करने में बहुत ही देर लगती है। और दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने रिवील करा था कि जिमिन ऐसे मेंबर हैं जिनके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी आई मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा अटेंशन लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें और अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।